S1X Plus लेने का तो बहुत मन है, बट इसके पासवर्ड से डर लगता है आपको, तो चिंता बिल्कुल भी मत करो। ये वीडियो में मैं आपको इसका मीटर पूरी तरीके से समझा दूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि 10,000 ज़्यादा देंगे बट की वाला वेरिएंट लेंगे, और कुछ लोग कन्फ्यूज है कि ऐसा क्या है इसके पासवर्ड में जो लोग इतना डर रहे, तो वो आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। तो ये है हमारी S1X Plus, जिसमें आपको पासवर्ड ऐसे डालना पड़ेगा। सबसे पहले पावर बटन से करेंगे तो आपके पास हमारे पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। फिर ये जो ब्लॉक दिख रहा है राइट साइड में, इसमें 1 से लेकर 9 तक का डिजिट होगा, ये आपको एक्ज्यूम करके चलना है और वहाँ पर डालना है। तो फिलहाल तो अभी बेसिक पासवर्ड इसका 11 है, तो मैं जल्दी जल्दी में किया तो मुझसे कोई एक डिजिट डबल बार दब गया, जो कि मुझे यहाँ भी विजिबल नहीं हो रहा, और मैं इसको कितना भी ट्राई कर लूँ ये नहीं खुलेगा। तो आपको इसको खोलने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, या तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना होगा बटन में। अब कुछ बोलेंगे कि हम पासवर्ड चेंज करें ही क्यों, हम 11 ही रहने देते। तो भाई लोग समझदार, लोग को पता है इस गाड़ी का पासवर्ड 1111 ही है, और इसको कोई भी इजीली ले देगा। आप ऐसा ट्रिक कर सकते हो कि 3-1 रख के बीच में कोई अच्छा डिजिट रख दिए, फिर 111 कर दिए, तो आपकी गाड़ी थोड़ी सी सेफ हो सकती है, मतलब उतना दिमाग नहीं लगेगा। तो आपको स्मार्ट पासवर्ड इसमें रखना पड़ेगा, तब जाके आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। सपोज मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने 4 तक का 1 रखा, फिर 5th कैरेक्टर 3 या 5 रख दिया, और उसके बाद फिर आपने 1 रख दिया, तो आपको खोलने में थोड़ा सा ईजी होगा। और अगर आपने 9 7 6 4 5 या 8 8 8 8 8 ऐसा रख दिया, तो ये 10 से 15 मिनट आपका ईजिली ले लेगा। और दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करो, फ़ोन में ऐप डाउनलोड करो, जो कि आपको करना कंपलसरी रहता ही है, तो आपके पास वो ऐप रहेगा, उससे भी खोल सकते हो। पर उसमें भी ब्लूटूथ कनेक्ट करो, गाड़ी के सामने 2 मिनट तक खड़े रहो, थोड़ा सा दिक्कत है। अब दिन भर गाड़ी आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके नहीं रख सकते, इसमें भले आप म्यूज़िक नहीं सुन सकते, बट पासवर्ड खोलने के और थोड़े बहुत अपडेट के आपके काम आ जाएगा। और पासवर्ड भी आप ऐप से बदल सकते हो, इससे भी बदल सकते हो। इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो वहाँ पर न्यू पासवर्ड का ऑप्शन जनरेट हो जाएगा। और वहीं इंडिकेटर में 1000 चलाना है आपको, तो आपको इंडिकेटर प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो आपका इंडिकेटर भी जल जाएगा। और यहाँ पर आपको 3 ही मोड दिए जाएंगे, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, और पार्कड में खड़ी रहेगी तो यहाँ पार्कड करके लिखा रहेगा। बैटरी परसेंटेज ऊपर बताएगा, उसी के नीचे रेंज बताएगा, ऑडोमीटर यहाँ रहेगा, और ट्रिप जितना आप की हो यहाँ पे आपको बताएगा। उससे एक भी ज़्यादा चीज़ नहीं बताएगा, ना यह स्लाइड होगा, इतना ही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और एक छोटी सी ओला बनी है, इसका मतलब ये पार्किंग में स्टैंड में खड़ी है। अब बात करते हैं 3 किलोवाट की वाला कैसा होगा, तो उसमें आपको ऐसा कुछ बटन देखने को ही नहीं मिलेगा। उसमें डायरेक्ट की होगी, एक्टिवा जैसे, जुपिटर जैसे, या कोई भी अपनी नॉर्मल स्कूटी आती वैसे की ऑन करो, लॉक करो हैंडल लॉक, और सिंपल ऐसे मीटर ऑन होकर आ जाएगा, और एक्सीलेटर दो और चलते बनो। तो वो सिस्टम भी अच्छा है, बट इतने कम प्राइस रेंज में अभी आपको ये मिल रहा है, तो इसको लेने में फ़ायदा है। भले ही इसमें ऑफर नहीं रहता तो मैं बोलता की वाला ही लेना, बट अभी ऑफर है तो ले लो। इसको आप पासवर्ड से भी कर सकते हो, सॉरी ब्लूटूथ से भी कर सकते हो, और स्मार्ट पासवर्ड रखोगे जैसे कि 1111 और एक डिजिट कोई और रख दिए, तो ऐसा हो सकता है। देखो यहाँ पे भी मुझे दिक्कत हुआ, तो यहाँ पे भी ये विजिबल ही नहीं होता कि आप 1 दबा रहे हो, यहाँ 0 लिखा के आ जाता है, और अभी भी ये खुलने में बहुत ज़्यादा नाटक करेगा, फिर खुलता है ये जाके, तो इसमें आपको ध्यान देना होगा। तो एक ही सॉल्यूशन, आपको अच्छा स्मार्ट पासवर्ड रखना पड़ेगा जो कि 1 2 3 के बीच में हो, और एक ही नंबर को ज़्यादा बार यूज़ करना, और स्मार्ट तरीके से रखना ताकि आपकी गाड़ी चोरी भी ना हो सके। और बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है, मैंने सब कुछ टेस्ट किया, इसका रिव्यू से लेकर टॉप स्पीड आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। और ये वीडियो को यार जल्दी से जल्दी अभी लाइक करो, नीचे कमेंट करने का मन हो तो कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।